ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਆ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਜ ਮੁਝੇ ਆਜ ਆਪਕੋ ਖਾਣੇ ਲਈ पैसे खत्म हो गए हैं। अदील भाई अभी निकालने लगे हैं 100-150 रुपए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज एक नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। तो दोस्तों आज का सीन कुछ यूं है कि बस अभी मैं फ्रेश हुआ हूं और मैंने जाना है अभी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि आपने आना है तो जल्दी जल्दी आए, आपने लाजमी मिलना है। सो बस अभी जो है नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास। वो उधर बस हॉस्टल में रह रहे हैं तो बस अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर नमाज पढ़ने के बाद उसके पास जाऊंगा। अभी जो है ना मैं बस चोरी चोरी भाग रहा हूँ अहमद रसम को छोड़कर, वो मेरे पीछे लग रहा था क्योंकि अभी जो है ना उसके बाहर जाने का टाइम हो चुका था ना, इसलिए वो मेरे पीछे लग रहा था कि मैंने भी बाहर जाना है, मैंने तैयारी सारी की ना इसलिए। अभी मैं बाहर निकला हूँ तो अभी एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि बस मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा अभी आधे पौने घंटे में। पहुंच चुका हूं और यहां पर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहां चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इधर साइड से होकर गुजर रहा हूं, अब मैं दूसरे रास्ते में बैठा हूं। अभी जो बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, बस अभी यहां से जो है ना थोड़ा सा मुझे पैदल मार्च करना पड़ेगा क्योंकि यार थोड़ा सा दूर है हॉस्टल यहाँ से, इतना भी दूर नहीं है। इतना तो हम पैदल चलते रहते थे और यहाँ पर जो है ना पैदल चलने का अपना ही स्वाद है यार। यूनिवर्सिटी की याद ताज़ा हो रही है, यहाँ से है ना हम अक्सर गुजरा करते थे, जो क्लासमेट थे उनके हॉस्टल इधर ही थे। तो अभी जो है ना मौसम बड़ा ही खुशगवार है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी खुशगवार हवा चल रही है। तो बस अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि वो भी आगे से निकल आए। जल्दी आ यार जल्दी। कितने रह गए हैं थल्ले आ। मैं इधर वेट किए जा रहा था कि उधर है और ये जनाब साहब इधर से आ रहे हैं मुंह उठा के। कहाँ से आ रहे भाई, मैं आप इधर वेट किए जा रहा था यार। कौन सा बाजू टूटा यार इसका, ना एक्सीडेंट हुआ था इसका, स्पेशली मैं पता करने के लिए आया हूँ। इसका बाजू टूटा था तो यार इतना अच्छा मौसम है बाहर का, जल्दी जाते हैं क्या कहना है रूम में यार, बाहर कहीं चलते हैं यार, बड़ा मजा आ रहा है, भूख लग रही थी मुझे यार। सारे सो रहे हैं यार। अदील भाई का हॉस्टल एक बार खुद से देख लें। ये भाई चल रहा है एयर कूलर, ये फ्रिज है और ये अदील भाई का बहुत ही प्यारा रूम है, जो पहले भी आए थे मैं और साथ मेरी अदर भाई थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अदील भाई जो है ये अपनी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं अपने रूम की। और मैं यार आज अकेला आया हूँ, चाचू को और बाकी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, वो अपने अपने कामों में इतना बिजी है ना यार, पैसा छापने में लगे हुए हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। और ये अदील भाई इस पैसे में जो टाइम दे रहे हैं यार, इसका ना हुआ था एक्सीडेंट, तकरीबन 2 माह हो गए हैं इसका, मेरे बाजू टूट गया था और ये बहावलनगर होते ना इतनी दूर मैं जा नहीं सका था, तो ये लाहौर आए थे तो फिर मैं भी लाहौर आया हूँ। सो मैंने कहा चले यार अभी स्पेशली जाता हूँ तो अतील भाई का ना पता करके आता हूँ, ये कहीं किसी अकेडमी से आ रहे हैं या फिर पता नहीं ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, पता नहीं पढ़ा के आ रहे हैं। अतील यार बड़ी भूख लग रही है मुझे यार, तो आप खिलाएंगे यार, बड़ी भूख लग रही है। नहीं खाना खा कर गपशप लगाएंगे यार, फिर उसके बाद ही चलेंगे यार, बैठो ना यार इधर नीचे। चाचू से रब्ता हुआ है? चाचू से चाचू को फानी को कॉल करो यार, इस बार फानी का ना मिलने का फुल मूड है मेरा ख्याल है, वो खर्चा करे ही करे इस बार। अभी बस हमने नमाज मगरब अदा की और वापस आए हैं और मैंने मोबाइल निकाल लिया ना चार्जिंग के, और अभी जो है ना अदील भाई कुछ सोच रहे कि मुझे क्या खिलाएं, क्या खिलाने वाले हैं आज मुझे। वाह यार बिरयानी यार, यूनिवर्सिटी के जो टाइम है ना जब हम लंच में बिरयानी खाते थे बड़ा मज़ा आता था,
तो चलिए फिर जल्दी से तैयारी कर लो यार, आप भी जल्दी से अपन निकलते हैं। आखिर अभी जाना ब्रांडी का हमने जाना प्लान चेंज किया है, और अभी ये अजील भाई कह रहे हैं कि मैं आपको जाने वाला हूँ कढ़ाई, क्योंकि यहाँ से जो खानों के ना ये कढ़ाई है ना बहुत मज़ेदार होती है, और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा ऑर्डर आ चुका है यार कढ़ाई का, और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, सर्विस अच्छी है इनकी यार। ये कढ़ाई आ चुकी है और ये सैलेड है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, अभी हम खाना खा लें फिर उसके बाद जाना मिलते हैं, फिर कब से बुलाएंगे। तो गाइस अजील भाई से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, अभी खाना खाया, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे यार, कल हमें जाना है एक दोस्त के पास, तो कल बाकी तब फिर कल फिर आए बताएंगे। 1,000 पैसे खत्म हो गए हैं अदील भाई, अभी निकालने लगे हैं 100-150 रुपए। अभी मैं घर पहुंच चुका था, और बस अभी ईशा की नमाज अदा करके आया हूं, और बहुत मजा आया यार दोस्तों से मिलकर जाना, वो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यार इनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, उनके साथ बैठ कर कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है, और कुछ गपशप हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी अगर आप बेल के आइकन को भी प्रेस करेंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।